And next question mein hame given hai, the nth term of an arithmetic progression is 5 minus 6n. Hum isko note karenge tn, yani nth term is 5 minus 6n. Hame find karna hai first term aur common difference. First term find karne ke liye hum n ka rank yani n ki value simple 1 put kar denge. To first term mil jati hai. To first term will be equal to minus 1. या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू माइनस वन. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि हम n में 2 पुट कर देते हैं. तो n में जनरल टर्म में जो भी n की वैल्यू पुट की जाए उस रैंक की टर्म हमें मिल जाती है. तो हमें सेकंड टर्म यहां से माइनस 7 मिल जाएगी. और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से फाइंड किया जा सकता है. तो हम माइनस 7 माइनस माइनस 1 लिखेंगे. तो माइनस 7 प्लस 1, इससे हमें कॉमन डिफरेंस यहां से माइनस 6 मिल जाएगा. तो जनरल टर्म जब भी गिवन हो, कोई सी दो टर्म्स निकालें और वो कंसेक्यूटिव अगर हैं तो उनको सबट्रैक्ट करें, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा वहां से. वी ट्राई टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल लैंग्वेज एंड विद इफेक्टिव एग्जांपल्स. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.